जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कमांडो एकेडमी पर। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो उन सभी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं भर्तियों के लिए, क्योंकि सीआरपीएफ भर्ती 2022 आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा, थोड़ी बहुत नॉलेज होगी कि सीआरपीएफ की एक नई भर्ती आ रही है। आप सभी को बता दूं मैं ट्रेडमैन की, तो ये कितने पोस्ट की वैकेंसी रहेगी, 5000 पोस्ट की या 12000 पोस्ट की, इसके फॉर्म अप्लाई कब से होंगे, इसकी योग्यता क्या है। तो जितने भी बच्चे जो 10th पास हो, सबसे पहले तुम्हें बता दूं जिनका एज क्राइटेरिया 18 से 23 साल के अंदर आता है, अगर वो जनरल कैटेगरी का है, बाकी ओबीसी एससी एसटी के लिए जो छूटें दी जाएगी वो सभी छूटें 3 साल और 5 साल दोनों। तो जितने भी बच्चे हैं जो 18 से 23 साल और प्लस 10th क्लास पास है, ओनली पासिंग नंबर चाहिए, भले ही 33% ही क्यों ना हो। आर्मी की तरह ऐसा नहीं है कि आपके 45% होना जरूरी, ऐसा नहीं है, भले 33% ही क्यों ना हो तो भी आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। कितनी पोस्ट की वैकेंसी है, कब से फॉर्म अप्लाई होगा, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे देता हूं। साथ ही एक चीज और बताता हूं लाडलो आपको कि ओलिव बोर्ड की तरफ से, इसका मैंने लिंक दिया है नीचे, ओलिव बोर्ड की तरफ से अभी आपको एसएससी प्लस रेलवे, एसएससी रेलवे सुपर एलाइट और एसएससी सीजीएल के लिए टेस्ट अवेलेबल कराए। साथ ही जितने भी उनके कोर्स है उन सभी पर अभी 50% होली ऊपर चल रहा है, इसके लिए अप्लाई कोड आपको होली करना है। नीचे मैंने लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन उस पर क्लिक करिए। अगर आप इनमें से किसी की भी तैयारी करते हैं या टेस्ट देना चाहते हैं तो बहुत ही बड़ा मेगा टेस्ट होने वाला है, साथ ही ये कोर्स ले सकते हैं आप मात्र 50% ऊपर। होली बोर्ड नीचे मैंने लिंक दिया, उस पर आप क्लिक करके जा सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं इस वैकेंसी के बारे में पूरी की पूरी जो जानकारी है वो देखिए, 10th पास ये वैकेंसी होने वाली है ट्रेडमैन की, लगभग 5000 पोस्ट, आपने देखा होगा 12000 पोस्ट के बारे में भी बताया जा रहा, लेकिन ये गलत न्यूज है, ये 5000 पोस्ट की वैकेंसी है। इसका ऑफिशियल लिंक भी आपको मिल जाएगा, या ऑफिशियल इसका अगर नोटिस आपको चाहिए तो मैंने नीचे लिंक दिया है ऑफिशियल वेबसाइट का, उस पर क्लिक करिए, वहां से आपको इसका ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जो नोटिस है उसको डाउनलोड करके इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हो। अब इसके फॉर्म कब से अप्लाई होंगे तो मैं आपको बता दूं, लगभग मई से, यानी आरपीएफ कांस्टेबल के साथ ये वैकेंसी होने वाली है। आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी मई में आने की योजना हो रही है, उसी प्रकार सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी रहेगी इसके फॉर्म आपको बता दूं कि मई महीने में पूरे चांस है कि इसके फॉर्म में अप्लाई होंगे और मई तक ये वैकेंसी आ जाएगी। 5000 पोस्ट की वैकेंसी होगी ट्रेड्समैन के लिए, सीआरपीएफ में अलग अलग ट्रेड्स के लिए। अभी आप सभी को पता है बीएसएफ में और क्या है, जिनके एक्सेप्ट फॉर्म एक्सेप्ट किया या नहीं किया, इसका मैसेज भी आ गया है आपके लिए, क्या होगा सीआरपीएफ की वैकेंसी, इसका क्राइटेरिया 18 से 23 साल, बाकी ट्रेड्समैन के टोटल क्राइटेरिया वही रहेंगे जो बीएसएफ में, सारे के सारे क्राइटेरिया वही रहेंगे। 5000 पदों पर यह वैकेंसी होने वाली है, तो आप सभी के लिए बहुत ही शानदार न्यूज है, बढ़िया से तैयारी करिए लाडलो, और मई के महीने में इसके फॉर्म बनने के 100% चांस है। लेकिन ये वैकेंसी 12000 की नहीं है, 5000 के आसपास की पोस्ट की वैकेंसी रहेगी, इससे ज्यादा नहीं रहेगी, 12000 वाली बिल्कुल फेक न्यूज है, 5000 पोस्ट की वैकेंसी रहेगी। और बाकी पहले फिजिकल होगा, फिर एग्जाम होगा, फिर ट्रेड टेस्ट, आप सभी को पता पूरा पूरा जो प्रोसेस है बीएसएफ ट्रेडमैन वाला रहने वाला है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो और जी जान लगा दीजिए भाई। जय हिंद, जय भारत।